न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन नू एक व्यक्ति द्वारा जान तो मार देन की धमकी दी गई। ग्लेन रॉबर्ट ड्वायर नामी रोटोरुआ रहन वाले 53 साल व्यक्ति नू अजेही धमकी देन लई नामजद किया गया अते नाल ही 300 घंटे का लोक भलाई का काम लाजमी करन दी भी सज़ा सुनाई गई। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ड्वायर ने यह कमेंट फेसबुक से न्यूजीलैंड लेबर पार्टी वालों पाई गई पोस्ट से 27 मार्च सवेरे 8 बजे किया। यह धमकी पुलिस की नज़रों में उदों आई जदों प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया हैंडल करन वाले मॉडरेटर वालों यह कमेंट पढ़े गए तो ड्वायर नू संपर्क करन दी कोशिश की गई। राती 10:30 बजे के करीब ड्वायर नू उसके घरों गिरफ्तार किया गया। फड़े जाने मगरों उस वालों बयान आया कि मैं कदे जसिंडा नू नहीं मार सकता क्योंकि मैं उसनू प्यार करता हाँ। रिपोर्ट्स विच ए भी दर्शाया गया कि आर्डन अते ड्वायर पहला तो एक दूजे नू नहीं सी जानते। तानू दस दईए ड्वायर जसिंडा नू मार देन दी धमकी देन वाला कोई पहला शख्स नहीं है। पहला भी अप्रैल विच बे ऑफ प्लेंटी दे एक निवासी वालों आर्डन नू जानों मारन दी धमकी दित्ती गई सी। उसनू तोरंगा विचों गिरफ्तार किया गया सी अते इस दे नाल ही ऑकलैंड तो माइकल क्रिस्टोफर क्रूकशैंक नू भी प्रधानमंत्री नू मौत दी धमकी देन लई 12 महीने की सज़ा सुनाई गई सी। इस तो अलावा पिछले साल भी क्राइस्टचर्च रहिंदे व्यक्ति नू इन्हां कारणां लई ही सज़ा होई सी। ब्यूरो रिपोर्ट NZTV पंजाबी न्यूज़।